देखो दोस्तों, वीडियो अपलोड करते समय कुछ बेसिक सेटिंग होती है जिनको कर लेने से आपको इनिशियल व्यूज़ थोड़े से मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सेटिंग कर लेने के बाद वीडियो पर लाखों मिलियंस व्यूज आने शुरू हो जाएंगे, हर वीडियो आपकी वायरल होना शुरू हो जाएगी, नहीं। बट थोड़े से इनिशियल व्यूज मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में अगर आपको व्यूज नहीं मिल रहे हैं, 5, 10, 15, 20 व्यूज या 50 व्यूज मिल रहे हैं, तो इनिशियल व्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं खुद की बात करूँ तो मेरे वीडियो पर चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी मेरे वीडियोज़ पर 30, 40, 60, 30, 40, 50, 60, मतलब 100 के प्लस व्यूज नहीं जाता था, ठीक है। तो मैं सबसे लगभग लगभग सभी लोग यही गलती करते हैं, और मैंने भी ये गलती की थी। देखो बहुत बड़ी सेटिंग नहीं है कोई, और बहुत बड़ा जुगाड़ नहीं है कोई, जिसको जबकि देखा जाए यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि बिना इसको कि आपकी वीडियो वायरल होगी नहीं, बिना आपको व्यूज मिलेगा नहीं, बट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जैसे कि चैनल कीवर्ड में जाकर आपको कीवर्ड डालने होते हैं, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे वीडियो अपलोड करते टाइम आपको ये चीज़ करनी है। तो वीडियो अपलोड करते समय नॉर्मली आप लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं, चाहे अनलिस्टेड करते हो या पब्लिक करते हो तुरंत, या प्राइवेट जो भी करते हो, उससे काम नहीं है, ठीक है। अपलोड करते समय बेसिक चीज़ जो करनी है वो क्या करना है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसे कर देने से आपको हाँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से बता रहा हूँ, आपको लाखों व्यूज नहीं मिलेंगे, पर अगर 10 व्यूज मिल रहे हैं तो 15 से 20 व्यूज तक आपको मिलने लगेंगे, मतलब कि डबल मिलने लगेंगे। अगर 500 व्यूज मिल रहे हैं तो 1000 व्यूज तक आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मिल ही जाएंगे, बट मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सेटिंग थोड़ा सा इफेक्ट डालती है आपकी वीडियोज़ पर। इस चीज़ को करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट मोबाइल पे ले चलता हूँ। देखो यहाँ पे स्क्रीन दे सकते हो, जब वीडियो नॉर्मली अपलोड करते हैं हम लोग तो वीडियो को यहाँ से चूज कर लेते हैं, ठीक है। चूज़ करने के बाद पब्लिक अनलिस्टेड जो भी करना है करके कर देते हैं। तो अगर हमको ज़्यादातर लगभग लगभग सभी लोग अनलिस्टेड ही करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कॉपीराइट स्ट्राइक संबंधित कुछ भी हो, या कोई कंटेंट, कोई वॉलपेपर, थीम, थंबनेल, जो भी आपने कहीं चुराया हो, अगर कोई गलती हो तो आपको पता लग जाए पब्लिक करने से पहले। तो इसलिए ज़्यादातर लोग अनलिस्टेड करते हैं। अगर आप नहीं करते तो ये चीज़ ज़रूर करना। अनलिस्टेड करने से जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया है, जो आपने लिंक डाला डिस्क्रिप्शन में, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कहीं की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ अपलोड करते समय ये होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग होती है। और यहीं पर एक प्रोसेसिंग और भी होती है, और वो प्रोसेसिंग ये है कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन और इसका टाइटल नहीं लिखते हैं, जल्दबाजी में अपलोड कर दिए, अनलिस्टेड कर दिए। होता कि ये रहता है कि जब पब्लिक करेंगे तब ये चीज़ डाल के तुरंत पब्लिक कर देंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना, बहुत बड़ा रीज़न है इसका, ठीक है। तो बहुत सिंपल बात, बट उसका जो मतलब है ना वो काफ़ी बड़ा निकल के आता है। तो देखो यहाँ पे आपको टाइटल जरूर लिख देना है, क्यों लिखना है अभी बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन, ये दोनों चीज़ लिखनी है। अब डिस्क्रिप्शन तो थोड़ा लंबा लिखा जाता है, तो आप लोग कहेंगे डिस्क्रिप्शन लिखने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपको नोट्स, ठीक है, अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या फिर व्हाट्सअप पर आप मैसेज लिखकर सेव कर लो। मतलब मैसेज का मतलब डिस्क्रिप्शन और टाइटल लिखकर अलग अलग सेव कर लो। बस यहाँ पे टाइटल आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, लाकर। अगर आपने नोट्स में लिखा है तो नोट्स में जाना है और टाइटल लाके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। डिस्क्रिप्शन का भी वही रोल है, आपको जाना है नोट्स में या व्हाट्सएप में, जहाँ पर भी आपने लिखा है आपको वहाँ से लेना है और इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अब इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा। जब आप ध्यान दीजिए, जब वीडियो आप अपलोड करते हैं तो एक प्रोसेस चलता है, प्रोसेस में एनालाइज करता है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल है या नहीं है, उसमें कुछ चोरी का नहीं है, अगर है भी तो इनलीगल तो नहीं है, जिस पर कॉपीराइट स्ट्राइक देना हो यूट्यूब को या किसी और को, या कॉपीराइट क्लेम करना हो किसी को, तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करता है। तो साथ ही साथ जो आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालते हैं वो भी एनालाइज करता है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन अगर आपने पहले से डाल के रखा हुआ है, यूट्यूब खुद ही एनालाइज कर लेता है कि आपकी वीडियो किस ग्रुप में डालनी है, ठीक है। अब ऐसा देखो, बाद में आपने वीडियो अपलोड कर दी, वीडियो अपलोड करने के बाद एक घंटे, दो घंटे, एक दिन, दो दिन बाद आपने टाइटल डाला, डिस्क्रिप्शन डाला, तुरंत अपलोड पोस्ट कर दी, तो यूट्यूब ने आपकी वीडियो को तो एनालाइज कर लिया, ठीक है, कॉन्टेंट ओरिजिनल है, कोई कॉपीराइट नहीं है, कॉपीराइट कॉन्टेंट कोई भी चुराया हुआ नहीं है, चाहे वो वेबसाइट हो, येलो डॉलर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब सब क्लियर है, लेकिन टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने नहीं डाला, टैग आपने नहीं डाला, ठीक है। तो YouTube को कैसे पता चलेगा कि आपका कंटेंट किस टाइप के लोगों के पास भेजना है, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल के रखना है, क्योंकि टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल के रखेंगे तो जब YouTube आपके वीडियो को एनालाइज करेगा तो साथ ही साथ आपके टेक्स्ट को भी एनालाइज करेगा, और वो खुद डिसाइड करेगा कि आपकी वीडियो किस तरह के, किस टाइप के लोगों के पास भेजनी है, आपका कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा किस ग्रुप के लोग, किस एज के लोग देखेंगे। तो वहीं पर वो चीज़ डिसाइड हो जाती है, यूट्यूब डिसाइड कर लेता है। अगर ये चीज़ आपने डाल के नहीं रखी है, बाद में तुरंत डालते हैं और वीडियो को
पब्लिक कर देते हो तो व्यूज पर बहुत फर्क तो नहीं पड़ता मैं बोलूँगा, लेकिन हाँ 5-10 व्यूज का फर्क पड़ता है। तो इस पर मत जाइए कि अगर नहीं डालते हो या अभी तक नहीं डाले हो या आगे नहीं डालना चाहते हो तो व्यूज में बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग की वीडियो बना रहे हो, स्टार्टिंग में चैनल नया है, तो 5 व्यूज 10 व्यूज बहुत होते हैं। मैं खुद की बात करूँ तो अभी मेरे किसी किसी वीडियो पे 5, 10, 20, 30 व्यूज आते हैं। हाँ ठीक है, तो 500, 1000 व्यूज चले जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। 1000 व्यूज यार बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर पे 1000 व्यूज नॉर्मली बात नहीं है। जब 20 व्यूज आते हैं, 30 व्यूज आते हैं, तो वहाँ पर 5 व्यूज की अहमियत बहुत होती है। तो ये चीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर करना स्टार्ट कर दो। किसी भी कैटेगरी का चैनल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये चीज़ अगर करते हो तो व्यूज थोड़ा सा इंक्रीज़ ज़रूर होगा आपका, और वो व्यूज इनिशियल व्यूज होगा।